बेटा नीट या जेडब्ल्यू या फिर बोर्ड की एग्जाम भी आप फोकस करके चल रहे हो, तो पूरी की पूरी आपकी इंटरनल एनर्जी एक ही चीज के ऊपर फोकस होनी चाहिए। आपने क्या कर लिया, उस 100% एनर्जी को डाइवर्ट कर लिया 20% दोस्त में, 20-30% किसमें, सोशल मीडिया में आपने स्टोरी डाल के अगर रख देते हो। ऐसा कोई बंदा देखा है यहाँ पे? मुझे लगता नहीं कोई बैठा होगा कि किसी ने स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे और बैठ गया। बेटा आप हर बार उसको चेक करते हो उस स्टोरी को, कितने लोगों ने देखा, फिर देखने के बाद कितने लोगों ने उसको लाइक किया, इसने हर बार लाइक करने वाले बंदे ने इस बार क्यों नहीं किया, ये भी चेक करते हो, माइंड में चलते रहता। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूं? जिसके वजह से आपकी सारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई और बची हुई 20-30% एनर्जी लेके आप क्या कर रहे हो, नीट और जेडब्ल्यू कर रहे हो। जिस वजह इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आप एक स्टैटिस्टिक्स लिखा हूं कि नीट देने वालों की संख्या आसपास होती बेटा 16 लाख। हर साल कितने नीट देते हैं? 16 लाख नीट देते हैं। इस साल मतलब सबसे ज्यादा हाइप आ गई, ये 2023 का है बेटा आंकड़ा, ये जो नंबर दिख रहा है 2023 का नंबर है। उसी तरह से जेडब्ल्यू जो दिया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल, और उसमें से इस साल जो है हाइप हो गई, कितने लाखों बच्चों ने दिया एंट्रेंस, लगभग 11 लाख। जैसा रहे तन वैसा रहे बेटा, जैसा खाना खाओगे वैसा आपका शरीर होगा, और जैसा शरीर बनेगा वैसा मन बनेगा। बात समझ में आई? आप अगर बोल रहे हो कि मैं बाहर चौपाटी में जाके ये खा लूंगा वो खा लूंगी, ठीक है, शादी में जाके बढ़िया दमनाया नया दिख रहा है मीठा खा लूंगी, ये सारी चीजें अगर करोगे तो आपका शरीर बिगड़ना शुरू होगा, जिससे आपके कंसिस्टेंसी पे परिणाम होगा। आपका फोकस जो है धीरे धीरे, 15-20 घंटे का लेक्चर आप पूरा लिख लिए और उसको कॉम्प्रेस किए कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कॉम्प्रेस करना मतलब क्या, शॉर्ट नोट बनाना, जो आपको क्या होगा 10 मिनट में रिवाइज करके आप फटाक से आ जाओगे पेपर के लिए। क्या एनर्जी है अपने क्लास में, गुड आफ्टरनून। ओके, सो बेसिकली अभी हर बार मैं क्या बोलते उसको ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के आता हूँ। आज अपन जो है स्पेशल एक ओकेशन है जिसको अपन बोलेंगे गुरु पूर्णिमा। तो गुरु सब लोग चेक कर रहे हैं कि मैं भी व्हाइट पहनी हूँ या नहीं पहनी, ठीक है। सो गुरु पूर्णिमा के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो बेसिकली 2 दिन में व्हाइट पहनना चाह मतलब पसंद करता हूँ। एक है टीचर्स डे क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, और सेकेंड जो दिन है जिसको अपन बोलेंगे कौन सा, गुरु पूर्णिमा, क्योंकि ये जो चीज है एक आज ऐसा दिन है वैसा बेटा कि जिसमें जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया, जो कुछ आज मैं हूं जिनके बदौलत, जिसके जिससे मैंने ज्ञान लिया, तो आज मैं ये जो टीचर्स के माध्यम से, मैं जब टीचर बना तो उस माध्यम से हमको सारा जो नॉलेज है मैं क्या बोलते उसको स्प्रेड कर पा रहा हूं, दे पा रहा हूं। तो अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होंगे तो बेसिकली आप भी ना होते, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपको हर वो चीज पढ़ने के लिए किसी ना किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा, और उसी टीचर से वो क्या आप नॉलेज गेन करोगे, ठीक है ना। तो आज अपन इसी सेशन पे डिस्कस करेंगे कि आज जो हम लोग ये जो अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए सारे, मुझे लगता है कुछ लड़के जो बैठे हैं वो अपना 1 ईयर प्लान लेके बैठे हैं, ठीक है ना, रिपीटर जिसको अपन बोल रहे हैं। और बाकी जो सारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे, सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ दिख रही है सारी स्ट्रेंथ कौन सी है, दैट इज 11+12, और उसके बाद हम लोग देने वाले हैं एंट्रेंस, ठीक है ना। तो 2 ईयर का प्लान हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं लिख रहा था ये सारी चीजें, तो कुछ लड़के ऐसे कमेंट कर रहे थे या फिर जो मेरे कानों पे पड़ा था कि सब हमारे पास है, हम ऑलरेडी मोटिवेटेड है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, ये सारी चीजें करने के लिए आपको मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, और मोटिवेटेड अगर आप हो तो बहुत बढ़िया चीज है। वाई? बिकॉज आपका स्ट्रांग बर्निंग डिजायर आपको वही करने के लिए क्या करता है, काम में आती है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है किसी अपन टारगेट को लगा देते हैं, बराबर। तो हम लोग बोलते हैं कि डेडिकेटेड है पहली चीज। दूसरी चीज की बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होके भी और एनर्जी लेके भी हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि नीट या जेडब्ल्यू ये 2 ऐसे एग्जाम्स है जिसको अपन जब फोकस कर रहे हैं, क्लियर, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो बहुत एनर्जी लेके भी कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारे 90% बच्चों का क्या होता है, फेलियर होता है, ये एग्जाम नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते बोलो? क्योंकि सही प्लानिंग और सही डिरेक्शन ना होने के वजह से 90% वो बच्चे हैं जो तैयारी सीरियसली कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं नॉन सीरियस, नॉन सीरियस तो वैसे भी नहीं अचीव करने वाले ना, उनको IIT मिलेगा ना NIT मिलेगा ना IIIT मिलेगा ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट मिलेगा ना, एम्स की तो बात अलग ही है। बात समझ में आई? तो हम लोग जब क्या कर रहे हैं, सारा मोटिवेशन सारा डेडिकेशन सारी एनर्जी लगा के, मतलब बेसिकली हमारा आचरण हमारा नेचर सारा कुछ बढ़िया होके भी हम लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए सारे चीजें कारणीभूत है। वो कौन सी एक चीज कारणीभूत है, वो कौन सी चीज होंगी, प्लानिंग। अगर प्लानिंग में अगर हम लोग क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो इसलिए बोला जाता है कि कौन सी चीज, कि अगर हम लोग कोई काम करे सही ढंग से करे और सही प्लानिंग से करे तो ही जाके क्या होता है उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो कितने लोगों ने यहां पे बैठे हुए जो सारे बच्चे, उसमें से कितने लोगों ने अपना प्लान रेडी किया है, कितने लोगों ने अपना प्लान रेडी किया है? चलो बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, चलो खुद से बनाया है प्लान, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, उनके लिए तालियां बजाइए, ठीक है बेटा। तो
मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद नीट या जेडब्ल्यू पहली बार देने वाले हो, तो आप कौन से आधार पर आपने प्लान बनाया? यूट्यूब से देख के, हाँ, किसी एक्सपर्ट से जान के, हाँ, खुद की पोटेंशियल जान के सर कि मेरी तैयारी 7 या 8 घंटे में बैठ सकता हूं? बोलो बेटा, खुद की औकात, वही बोल रहा मैं, औकात का वर्ड, इससे अच्छा वर्ड अपन यूज कर सकते कि खुद का पोटेंशियल जान के तुमने प्लान बनाया कि ठीक है, समझ गया मैं। तो उनका बोलना यह है कि खुद का पोटेंशियल जान के उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कितने घंटे का, 7 या 8 घंटे का, दैट इज पोटेंशियल। लेकिन वो 7 या 8 घंटे 10 घंटे जो भी हो, वो जो प्लान बनाया है घंटे के हिसाब से बनाया, लेकिन हम लोग उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बेटा याद रखना है कि समटाइम्स आपकी पोटेंशियल अगर 8 घंटे बैठने की हो और आप 10 घंटे बैठ रहे हो तो भी आपको फेलियर होगा, फेलियर आएगा, सक्सेस नहीं हो सकते। रीजन बताइए बेटा, याद रखना है प्लान उसी आधार पे बना दिया जाता है जिस आधार पे, समझ लीजिए मैं सबसे बढ़िया चीज बोलने वाला हूं, अगर एक बार गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार गलतियां करता है आदमी तो उससे, और गलतियां करते जाएगा उसको बेवकूफ बोला जाता है, ठीक है। अपने गलतियों से सीखने वाले को क्या बोला जाता है, समझदार। और दूसरियों की गलती या फिर दूसरों का फेलियर जान के उससे अगर कोई सीखता है उसको बोला जाता है बुद्धिमान। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो अगर जितने भी आपने सीनियर्स देखे जिनको फेलियर मिला है अपनी जिंदगी में या फिर जिंदगी में इन द सेंस अपने एग्जाम्स में, और वो देख देख के जब हम लोग ये प्लान डिजाइन कर रहे हैं, तो समझ लेना है कि हम लोग को क्या, जो हम लोग क्या करने वाले हैं, गलतियां करने वाले, उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले ही क्या करेंगे, सुधार लेंगे। इसी को बोला जाता है प्लान। और ये प्लान कौन से आधार पे बनाया गया बोलो, जो हमारे सीनियर्स ने क्या किया है, गलती की है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इंक्लूड करके प्लान बनाया गया है। बात समझ में आई? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो अपने मन में आ रहा बेटा, जितने लोगों ने यहां पे तैयारी करने के लिए बैठे कौन सी, नीट और जेडब्ल्यू, क्लियर। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहां पे एक स्टैटिस्टिक्स लिखा हूं कि नीट देने वालों की संख्या आसपास होती बेटा 16 लाख। हर साल कितने नीट देते हैं, 16 लाख नीट देते हैं। इस साल मतलब सबसे ज्यादा हाइप आ गई, ये 2023 का है बेटा आंकड़ा, ये जो नंबर दिख रहा है 2023 का नंबर है। उसी तरह से जेडब्ल्यू जो दिया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल, और उसमें से इस साल जो है हाइप हो गई, कितने लाखों बच्चों ने दिया एंट्रेंस, लगभग 11 लाख बच्चों ने एंट्रेंस के लिए अपना फॉर्म भरा था और एग्जाम दी थी। बात समझ में आई? अब अगर मैं थोड़े देर के बाद अगर सीट्स बताऊं तो सीधा सीधा यहां पे सीट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, आईआईटी के सीट्स है बेटा कितने, 16,600, जिसमें माइनिंग्स भी आई, जिसमें क्या आया, मेटलर्जी भी आई, जिसमें क्या आया, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आया, जिसमें क्या आया, एनवायरमेंटल साइंस भी आ गया, ये सारे पूरे फील्ड मिला के 16,600 सीट से बेटा, क्लियर है। और उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए सीएस, हमको चाहिए आईटी, हमको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। 18 लाख बच्चों ने एग्जाम्स दी, और याद रखना है गवर्नमेंट की सीटें बेटा ऑल ओवर इंडिया में कितना, 54,000 लगभग, और प्राइवेट की अगर सीट देखा जाए तो कितना है, 50। हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सीट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब सुन लो कि यहां पे 18 से 20 लाख बच्चे आने वाले दिनों में एग्जाम्स देंगे, और बेटा हमारे पास कितने सीट्स है, ओनली 54। बेटा इतना तो पैसा नहीं है कि हम लोग प्राइवेट में जाए, बात समझ में आ रही है, और इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग फॉरेन में जाके वहां पे अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए, आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग रियलिटी में जिए, ठीक। अब कितने बच्चों को लग रहा है कि सर इतने सारे लाख बच्चे एग्जाम्स देने वाले, तो हमारे हमारा टिकाव कहां पे लगेगा, लग रहा है ना, थोड़े देर के लिए आपके मन में आया होगा कि सर 18 से 20 लाख बच्चे देंगे एग्जाम्स, 50,000 सीट्स है, 10 से 11 लाख बच्चे दे रहे एग्जाम जेडब्ल्यू, सीट्स कितने हैं ओनली 16,600, कितने हैं 16,600, क्लियर। तो बेटा समझ लो, मैं तुम्हारा थोड़ी देर के लिए रियलिटी बता देता हूं, ठीक है। पहले स्टैटिस्टिक को समझिए बेटा कि 11 लाख जो है, 11,04,000 या इसमें से 11 लाख में से जो है क्या बोलते उसको, बच्चे जो है 18 लाख जो क्या बोलते उसको एग्जाम्स दिए, ठीक है ना, उसमें से 54,000 जो गवर्नमेंट सीट है और 50,000 किसके हैं, प्राइवेट सीट्स है। बात समझ में आई, कितने हैं प्राइवेट सीट्स, लगभग 2,400 जो सीट्स होते हैं वो होते हैं बेटा एम्स के लिए, जो बेसिकली बहुत जो क्या बोलते उसको मेहनत करके बहुत पहले से ही ब्रिलियंट, और जिसने ठान लिया है मुझे एम्स में ही जाना है, तो आसपास 2,044 इतने सीट्स है बेटा किसके लिए, एम्स के लिए, जो टारगेट करके चल रहे, जिसको कितना लगता है आसपास 700 से ऊपर आपको मार्क्स लगेंगे आउट ऑफ कितने 720 मार्क्स, और 700 से अगर कम रहे तो जाके हम लोग बाकी के गवर्नमेंट कॉलेज अपने को मिलेंगे। तो हम लोग जो पूरा टारगेट फिक्स कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, 2 ईयर्स प्लान फिक्स कर रहे हैं, मतलब हम लोग वो बच्चे हैं जो हम लोग जिस बैच में बैठे हैं वो बच्चे हैं, वो कौन से, जो 11th को करना है, उसके बाद 12th का बोर्ड भी देना है, और पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, एंट्रेंस को भी क्रैक करना है। बात समझ में आई? और जो बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर
कोई जरूरत नहीं मुझे बोर्ड करने की, मैं 4 महीने में कर लूंगा, उसकी रियलिटी जब अभी मैं बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता आगे जाके। ठीक, दूसरी चीज, गए साल से क्या किया गवर्नमेंट ने, 75% आपको मैंडेटरी होंगे किसके लिए, बोर्ड में। अगर बोर्ड में 75% नहीं आते हैं और आप एडवांस भी क्रैक कर लोगे तो आपको IIT नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह कि 75% आपको मैंडेटरी होगा, बात समझ में आई। तो इसके हिसाब से हमने वो क्या करना है, 12th में भी परसेंट लेना है पहली चीज, दूसरी चीज कौन सी, साथों साथ एंट्रेंस का भी प्रिपेयर करना है। तो दोनों चीजें क्या करनी है बेटा, बैलेंस करनी है। सिमिलरली JEE के हमारे पास सीट्स कितने हैं, 10 लाख बच्चे आसपास, कितने इस साल तो 11 लाख बच्चे ने दिया बेटा एग्जाम, उसमें से 1.9 लाख मतलब आसपास कितना, 2 लाख बच्चों ने क्या किया, मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए क्वालिफाई किया, मेंस अपीयर करके एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें से 1. मतलब 2 लाख में से आपके 1.5 लाख बच्चे जो है ये एग्जाम दे पाए, क्योंकि बाकी जो लोग है वो एडवांस के लिए जाते भी नहीं है, जिनको पता है सर मैं क्वालिफाई हो गया हूं, तुक्का मार लिया मैंने तो ऑब्वियस मैंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे उतने औकात नहीं है उसके लैंग्वेज में, तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं जाके एडवांस दू, उतना फॉर्म 2,500-2,500 का जो फॉर्म है वो किस लिए भरू, तो एडवांस का फॉर्म वो भरता नहीं है, जिसके वजह से आपके 1.5 लाख जो बच्चे बेटा अपीयर हो पाए। ठीक है, और इसमें से 16,600 जो सीट्स है ये रहेंगे IIT के लिए, जिसमें सारे ब्रांचेस रहेंगे बेटा, 23 हमारे क्या है बोलो IITs है, 31 सीट्स रहेंगे बेटा कौन से NIT, और 26 सीट्स है हमारे कौन से IIITs। ठीक है, और जो लोग सिर्फ CS के लिए क्या कर रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे कि मुझे IIT से कंप्यूटर साइंस करना हो, तो उसके लिए कितने सीट्स है ओनली 1,891 सीट्स ओनली, लगभग आप ऐसे पकड़ के चलिए कि 1,800 सीट्स आप में आपके पास है, तो ऑल ओवर इंडिया आपको 11 लाख बच्चों में से आप उस 1,800 बच्चों में सिलेक्ट होना चाहिए, तब जाके IIT से कंप्यूटर पढ़ोगे। आई बात समझ में, कितना जबरदस्त कॉम्पिटिशन है सर, हम तो घबरा गए, कितना खतरनाक नीट में कॉम्पिटिशन सर, 18 लाख बच्चे दे रहे, सीट्स कितने हैं, 54 ओनली। अब मैं आपको रियलिटी बता, सुन लो बेटा, इसमें एक मेरा जो बहुत दावे के साथ और बहुत क्या बोलते जिम्मेदारी के साथ एक बात, मेरी जो मेरा स्टडी है उसके आधार पर कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, कि जो आपको नंबर दिख रहा है ये नंबर 50% से फिल्ट्रेशन होता है, कितने से 50% से। इतने दिन से मैं जो पढ़ा रहा हूं, इतने दिन से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, जिसके आधार पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, सुन लो, कि मान के चलो अपन ये वाला आंकड़ा लेके चल रहे हैं, कितने लाख का, 10 लाख का आंकड़ा लेके चल रहे, 10 लाख स्टूडेंट्स आपके क्या हुए अपीयर कर पा रहे, मतलब पेपर देने वाले हैं, जेई हो या मान के चलो हमारा नीट लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको जनरलाइज कर लेना दोनों में। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस 10 लाख बच्चों में वो भी बच्चा नीट का, वो भी बच्चा जेई का फॉर्म भरेगा, जिसने जिंदगी में कभी नीट या जेई की बैच की ही नहीं, या कभी उसके दिमाग में था ही नहीं कौन सी चीज कि मैं नीट या जेई देने वाला हूं। यहां पे भी बच्चे जो बैठे हैं, जो 11th 12th पढ़ने वाले, सिर्फ टारगेट कर रहे बोर्ड एग्जाम, वो भी बच्चे आने वाले दिनों में नीट या JEE देंगे, बात सही है। वो भी बच्चा देगा जो किसी विलेज में बैठा है, खेती का काम कर रहा, लेकिन उसकी एडमिशन किस में है, 11th और 12th में है, वो भी बच्चा बोलता है, उसकी मम्मी बोलते बेटा क्या करो फॉर्म तो भर के देखो। तो इस आधार पे वो जो फॉर्म भरने वालों की संख्या होती है कितने परसेंट होती है, आसपास लगभग 50% बच्चों की होती बेटा। तो 10 लाख में वो डमी मेंबर्स है जो नीट का या जेई का फॉर्म भरने वाले, तो कितना बना 5 लाख बच्चे बेटा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन से है डमी मेंबर्स है, कौन से है डमी मेंबर्स, क्लियर। अब सुन लो, अब ये 5 लाख बच्चे हैं, वो बच्चे बेटा सुन लो अच्छे से, जो नीट या जेई की एग्जाम देने वाले, जिस एग्जाम देने वाले इन द सेंस एग्जाम तो देने वाले हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या JEE देने के लिए, लेकिन होता क्या है इस 5 लाख में बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, बिल्कुल ही नॉन सीरियस बोलूंगा मैं, बिल्कुल ही उनको कोई लेन देन नहीं, मम्मी ने बोला पप्पा ने बोला इसलिए उन्होंने अपनी बैच ज्वाइन की। ठीक है, कितने आसपास, तो कितने 50% लेके चलिए, 2.5 लाख बच्चे बैठे क्या हो रहे सीरियस है, और बाकी के सारे क्या है नॉन सीरियस, बिल्कुल सीरियस, उनको कोई लेन देना नहीं, उनको जिंदगी, आपने भी देखा होगा आपके कितने सारे दोस्त बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोटा गए होंगे, नांदेड़ गए होंगे, नागपुर गए होंगे, वगैरह वगैरह, मुंबई पुणे कहीं पर भी गए होंगे, लेकिन वो उसमें से आपको भी पता है अरे सर इसकी तो लायकी भी नहीं है, उसने 10th में इतने परसेंट लिए थे, कितने 50%, तो भी वो कहां पे चला गया, कोटा चला गया, बात समझ में आ रही है, 4-5 लाख का बजट लेके फिर वो 4-5, 6-7-8 महीने में वापस भी आने वाला है, ये आपको भी पता है, उसके मम्मी पापा के पहले, मम्मी पापा को बाद में पता चलता है जब वो वापस आने को रोता है। ठीक है, तो
तो ये आसपास कितने हैं, नॉन सीरियस बच्चों की संख्या कितनी रही 50%, तो बचे कितने बेटा 2.5 लाख। क्लियर है? अब 2.5 लाख बच्चों में, अब सुन लो अच्छे से, इसके 50% पकड़िए बेटा, आसपास में 1.2 लाख बच्चे जो है, मतलब ये जो बच्चे हैं ये बोर्ड एग्जाम में अपनी पूरी जो है मोमेंटम अपना खो देते हैं। कौन वो बच्चे? जैसे ही क्या हुआ, मैं टू इयर्स वाले को बात कर रहा हूं, मैं रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको कौन सी एग्जाम देनी है बोलो। जैसे अभी कौन सा चालू है अपना ईयर 2023, बोर्ड कौन से इसमें होगा 2025, 25 का कौन सा महीना होगा, फेब महीना, फेब में आप कौन सी एग्जाम दोगे, बोर्ड की। जस्ट जैसे ही बोर्ड की एग्जाम दिए 15 दिन के बाद कौन सी एग्जाम आ रही है, जेडब्ल्यूई, डेढ़ महीने की बाद कौन सी एग्जाम आ रही है, नीट। तो बेटा आपका मोमेंटम ये 4-6 महीने में इसको इतना डर लगता है कि आसपास में 2.5 लाख बच्चे में बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम के बाद मोमेंटम उनका क्या हो जाता है, खत्म, और जिसके वजह से पूरा मोमेंटम जाने के वजह से वो बोलते हैं कि मैं क्या कर लूंगा अभी रिपीट। और वो कौन से बैच में एग्जाम एडमिशन लेते बोलो, रिपीट बैच में। आई बात समझ में? तो कितने बचे सिर्फ 1.2 लाख। अब इस 1.2 लाख में सुन लो और ऐसे बच्चे हैं कुछ आसपास, तो मैं यहां पे सिर्फ लिखता हूं 80,000 का आंकड़ा। ये वो बच्चे हैं जो सब कुछ बोर्ड की एग्जाम किए, उससे तहर के निकले और सर नीट और जेडब्ल्यूई दोनों एग्जाम के लिए सीरियसली जाके पढ़ाई रिवीजन करके जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी जर्नी में जो उन्होंने एडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से उनका माइंड जो है बच्चे का क्या हुआ, उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, EQ, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं जिसको, बराबर है। ये EQ जो है, इमोशन जो है उसका स्ट्रांग ना होने के वजह से एन टाइम पेपर के टाइम ये 80,000 बच्चे या 90,000 बच्चे क्या हो जाते हैं, वहां पे अपना आपा खो देते हैं और बाहर निकलते हैं रोते रोते। बात समझ में आई? तो इतने से बच्चे बैठे क्या है आपके, वो बच्चे है बेटा जिसके साथ आपको करना है कॉम्पिटिशन। बात समझ में आई? तो स्टार्ट कहां से हो रहा बोलो, 10 लाख, और एंड कहां पे हो रहा है, 80,000। बात समझ में आए? अगर आप ध्यान से देखा आपने तो ये बात समझ में आएगी। अभी भी उस लेवल का कंपटीशन अभी भी इंडिया में बनने का है। लोग बोल रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अरे काय का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी भी उस लेवल का कंपटीशन जनरेट होने का है। बात समझ में आई? तो मैं वैसा टीचर नहीं हूं जिस इस आंकड़े को फोकस करने को बोलू या इस आंकड़े को फोकस करने को बोलू। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस 80,000 बच्चे के साथ आपका कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है क्योंकि इसने इनको सारे को पीछे छोड़ के यहां तक पहुंचा जो EQ से स्ट्रांग है, मतलब उसका इमोशन बहुत जबरदस्त है बेटा, तैयारी उसकी जोरदार है, बोर्ड की एग्जाम दी उसने बढ़िया से, वो भी बढ़िया 90-95% से पास होगा, और बाद में जाके वो जब बैठेगा सेंटर में नीट या JEE देने के लिए, वो इमोशनली इतना जबरदस्त रहेगा, टेक्निकली साउंड रहेगा, उसने सारी प्रैक्टिस कर ली, अब जाके जब ये वाली एग्जाम देगा तो इसके साथ तेरे को जब करना है क्या कंपीट करना है, तब जाके अपने जो है अपना पोटेंशियल दिखने वाला। तो ये जो रहेगा ये 80,000 बच्चे, मतलब जो भी है, अब इसको आंकड़े में अगर ले लिया जाए 18 लाख से मैं कर लूं या 10 लाख से कर लूं, तो यहां तक पहुंचेंगे अपन उस हिसाब से, ठीक। तो ये स्ट्रांगेस्ट बंदे रहेंगे आपके सामने। तो ये बंदे जो है आपके दो इयर्स वाले भी हो सकते हैं, इसमें वो बच्चे भी हो सकते जो कौन से रिपीटर हो, यहां पर वो वाले बच्चे भी हो सकते जो डबल टाइम रिपीट कर रहे हो। तो लेकिन दिमाग में याद रखना है सबसे बड़ी बात, आप सबसे कम क्या बोलते उसको, आपका जो इमोशन है अगर इसके अगर ऊपर काम किए आपने, तो ये 80,000 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे जो है आगे फिर आपकी असली जर्नी शुरू होगी। बात समझ में आई? तो आगे बढ़े हम लोग। तो सर ये बताया आपने सारा स्टैटिस्टिक्स, अब बताइए सर कि अब हम लोग दो ईयर का प्लान कैसे बनाएं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो दो ईयर का प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपके जीवन में आने वाले, ठीक है। ऐसा भी होने वाला है, जितना आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे बच्चों ने 10th के एग्जाम के बाद ऐसे ठान लिया, मैंने 10वीं में कुछ नहीं किया, मैंने अभी उतना कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन मैं देखो 12th में करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, बोला था ना। लेकिन धीरे 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 आपके जैसे सारे बच्चे बोलते, बेटा इतने साल से 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे बोल रहे 10वीं के बाद मैं 12th में कुछ करके दिखाऊंगा, नीट में ये करके दिखाऊंगा, JEE में ये करके दिखाऊंगा, सारे बच्चे इतने इतने पेपर ये लेते हैं, लेकिन एक हाथ दूसरा बच्चा जो है वो बहुत बढ़िया करके परफॉर्म करता है और उसको हीरो बोलते हैं सब लोग, हीरो या हीरोइन बोलो, ठीक है। तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं, हीरो इन द सेंस वो बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, क्लियर है। तो इस तरह से तो बाकी लोगों का क्या हुआ, बाकी लोग क्या हो रहे, उनकी एनर्जी, उनका मोटिवेशन धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये डिक्लाइन होने के पीछे का रीजन भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर वो डिक्लाइन ना हुआ, मैं हर साल ये वाला लेक्चर देता हूं या सेशन लेता हूं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा भूल जाता है
और उसी चीज के पीछे भागता है जो आपको क्या देता है, एनर्जी, जो आपको मजा देता है इंस्टेंटली। और जब इंस्टेंटली मजा देने वाली जब चीजें आ जाती है आपके सामने, तो ये सारी चीजें भूल जाते हो और उस रस्ते पे लग जाते हो। और उम्र के 22-23 साल में आपको रियलाइजेशन होता है कौन सी चीज, कि शायद सर का मैंने उस दिन सुना होता तो आज ये मेरे साथ ऐसी कंडीशन ना होती। आप बैठे होते हो टेबल पे, आपके सामने बैठा होता है आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपका फ्रेंड, और वो बोलता है बेटा कि मैं अभी MD होके या MS होके आपके सामने तुम्हारे सामने बैठा हूं, इतना इतना लाख का मेरा पैकेज है, और तुम बोलते हो कि नहीं अभी मैं किराना दुकान चला रहा हूं। ठीक है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आप जिस काम को टारगेट लेके चल रहे हो, जिस फोकस कर रहे हो, जिस आपका जो एम है, अगर वो अचीव नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप जो भी कर रहे हो तो काम छोटा ही हो गया आपके लिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा क्या करना है। सबसे पहली चीज, गलती कहां पे होती है इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, 2 साल के लिए पहले प्लान करेंगे। खुद के ऊपर सबसे पहला काम करना है और इसके ऊपर अपन देखो डिस्कस करेंगे। पहली चीज, बैलेंसिंग द बोर्ड एंड एंट्रेंस। क्या लिखा है मैंने, बोर्ड को आपको क्या करना है, बोर्ड और एंट्रेंस को दोनों को भी क्या करना है, बैलेंस करना है बेटा। कैसे, देखो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ कुछ लोग जो है बोर्ड के एग्जाम के बाद उसका पूरा मोमेंटम चला जाता है। इसके पीछे का रीजन सुनिए, क्योंकि आपने पूरे 2 साल में एक ही बैच की थी या करने वाले थे कहीं पे कोटा या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, जिसका नाम था बेटा क्या बोलो, नीट की बैच या फिर JEE की बैच। बराबर है, सिलेबस खत्म हुआ 2024 में, किसका कौन सा वाला सिलेबस, आपका एंट्रेंस का। ठीक, कौन से महीने में, मान के चलो अगस्त महीने में, अगस्त सितंबर महीने में आपको पता चला कि अगले आने वाले 4-6 महीने में कौन सी एग्जाम आने वाली, बोर्ड की एग्जाम। सिलेबस इतना बड़ा है, बोर्ड की एग्जाम है, उसमें पास होंगे तो ही होगा, क्योंकि JEE वालों को कितना परसेंट लेना है, 75%, वो लग जाता है बेटा सितंबर महीना, अक्टूबर महीना, नवंबर महीने में, दिसंबर महीना, फिर आती है जनवरी और आता है फरवरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने किसमें चले गए उसके। तो पूरा का पूरा उसने क्या कर लिया, बोर्ड की जो एग्जाम है उसको फोकस किया, सारा एंट्रेंस का जो तैयारी थी पूरा बंद किया। अब मुझे बताइए फेब के बाद 15 दिन के बाद आने वाला कौन सा है, बोलो JEE। कुछ 1 महीने के बाद आता है कौन सा, बोलो नीट। बेटा 6 महीने में अगर गैप आ गई, आपकी तैयारी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में लगा दिए, MCQ की तैयारी, आपका जो क्या बोलते उसको टाइम मैनेजमेंट था, सारा कुछ मोमेंटम चला जाएगा, मुझे बताइए कॉन्फिडेंस रहेगा क्या बेटा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, फिर मन में आता है दिमाग में एक चीज, कौन सी, बहुत सारे लोग रिपीट कर लेते हैं, 1 साल और लगा लेते हैं, मुझे क्या, मैं भी कर सकता हूं, कर सकती हूं। लेकिन बेटा याद रखना है, हम लोग इसलिए बैठे यहां पे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ साथ ही क्या करें, नीट या JEE को क्रैक करें। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्लान भी है। तो आपका जो है बोर्ड का जो है पढ़ाई पहले ही साथ साथ होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड चीज, यह तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप 2025 के जनवरी महीने के 15 तारीख तक किसकी भी पढ़ाई करते रहे, बोलो JEE या नीट अगर आप फोकस कर रहे हो, नीट की एग्जाम, ये पूरी तैयारी कब तक, 2025 के जनवरी 15 तक आपको डर ही ना लगे कौन से एग्जाम का, बोर्ड का। आपकी सारी तैयारी किसमें हो गई, पूरे 2 साल में हो गई। तो मुझे बताइए आपको गैप आएगी क्या, आपको गैप आएगी कितने दिन की, 30 दिन की 45 दिन की, जो भी एग्जाम का पीरियड है उस दिन तक। बस समझ में? तो जो आपके सामने इस साल का रिजल्ट लगा था, जितने लेजेंड्स बच्चे आपने देखे, वो सारे बच्चों ने क्या किया था बोलो, इस साल के मतलब 2023 के जनवरी महीने तक उन्होंने सारे ने क्या किया था बोलो, पढ़ाई की थी किसकी, एंट्रेंस की। उन्होंने बोर्ड की एग्जाम जो थी उसकी तैयारी पहले कर ली थी। तो ये तैयारी अपने पास चलती है पहले से, स्टार्टिंग से लेके बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आपको दोनों को बैलेंस करना है, दोनों के नोट्स, दोनों की अलग अलग टाइप की प्रिपरेशन, दोनों की स्टाइल अलग है, कैसे कैसे करना है मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 6, 7 और 8, इस चीज को भूलना नहीं है बेटा, ठीक है। कौन सा है बोलो, 6, 7 और 8, ठीक है। ये बेटा आपका कौन सा, सी मतलब क्लास, क्लास के कितने घंटे चलेंगे, 6 घंटे की क्लास चलेंगे आसपास, क्लियर है। 7 मतलब होता है बेटा कौन सा, दैट इज एस, ये चलेगा कौन सा आपका, स्लीप। 7 घंटे की कम से कम आपको चाहिए नींद। आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं 4 घंटे नींद लेके 10 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूं, बेटा ऐसा करना नहीं है। दिमाग जितना आपका क्या हो, जितना शांत होगा दिमाग आपका, जितना क्या हो बोलो, रिलैक्स होगा, उतनी पढ़ाई अच्छे से होगी। बात समझ में आई? और कौन से कितने घंटे का, 8 घंटे की क्या चाहिए अपने को, स्टडी। आई बात समझ में? कम से कम 8 घंटे की बात कर रहा हूं, आगे जाके हम लोग इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे जाके अपना क्लास का टाइम जो होगा क्या होगा, लास्ट में कम हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, 3 या 4 घंटे का क्लास रहेगा, तो आपका यहां पर स्टडी का आर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया? तो 8 घंटे की स्टडी, 7 घंटे की स्लीप और 6 घंटे का क्लास, कितने घंटे हुए बेटा बोलो, 8 और 7 बोलो कितना हुआ,
15 और 6 21 21 आर हुए आपके पास, बचे कितने? 3 घंटे। 3 घंटे में आपको क्या करना है? नहाना खाना ये वो सारी चीजें, आना जाना सारी चीजें हो गई उसमें, ये सारी चीजें चलेंगी ठीक है 3 घंटे में। मतलब 21 + 3 कितने घंटे हुए? 24 घंटे। और ये कंसिस्टेंसी आपको 2 साल तक मेंटेन करनी है, कितनी वन की? 21 आर की। क्लियर? इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसमें अगर घटोती हो गई तो आपका घाटा जरूर होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो आगे। उसके बाद बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा डाइट। कौन सा है? डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? इसलिए स्टेटमेंट है, कौन सा कोट होता है, कौन सा? जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तन भी ठीक है, ठीक है, जैसे खाए अन्न वैसा रहे तन, और जैसा रहे तन वैसा रहे बेटा। जैसा खाना खाओगे वैसा आपका शरीर होगा, और जैसा शरीर बनेगा वैसा मन बनेगा। बात समझ में आई? आप अगर बोल रहे हो कि मैं बाहर चौपाटी में जाके ये खा लूंगा वो खा लूंगी, ठीक है, शादी में जाके बढ़िया दमनाया नया दिख रहा है मीठा खा लूंगी, ये सारी चीजें अगर करोगे तो आपका शरीर बिगड़ना शुरू होगा, जिससे आपके कंसिस्टेंसी पे परिणाम होगा। आपका फोकस जो है धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन लेवल पे जाएगा, और आपका जो है जो एनर्जी जो बोलते हो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा डाइट। जो भी आपको फोकस, जो भी चीज है जिंदगी में, इसके लिए नहीं बोल रहा सिर्फ नीट और जेडब्ल्यू में, लाइफ में भी आपकी लाइफस्टाइल में आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डाइट आपने अगर सही से रख दिया तो मान के चलो आप 100-150 रुपए का किसी के बर्थडे में चले गए और पार्टी दे रहा है 2-3 हजार की बर्थडे के दिन, इसका मतलब आप भी, आपको भी देना पड़ेगा ठीक है, और आप पे भी आएगा ना। आप सोचो कि पूरे साल में आप 2-4 हजार 5 हजार का समझ के चलो अच्छे खाने में आपने अगर डाल दिया, आप बोल रहे हो कि मैं बर्थडे को नहीं आने वाला या फिर आऊंगा तो ये नहीं खाऊंगा जो तू देने वाला है। तो ना बोलना सीखो जिंदगी में, जिसने ना बोलना सीख लिया वही आगे बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो ना बोलना है, कौन सी चीज ना, अगर ना बोले तो ही आगे बढ़ोगे, अगर हाँ बोला चले गए ठीक है। तो डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर फोकस करना बेटा, पीछे वाले ध्यान दो। उसके बाद आता है बेटा फ्रेंड। ये जो फ्रेंड जोन है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है? ये करता क्या है, जैसे कि मान के चलो कोई एक पूरे क्लास में एक ऐसा बच्चा बैठा होता है जो धीरे से कुछ कमेंट करेगा, उधर अपने दोस्तों में बैठ के वहां से क्या करेगा, कुछ कमेंट पास करेगा वगैरह ठीक है, और वो शो करता है कि मैं क्या हूं, ड्यूड हूं। और उसके साइड वाले जो दोस्त बैठे होते हैं उसको क्या करते हैं, चेयर अप करते हैं और उसके तरह ही बिहेव करने को ट्राई करते, क्योंकि ये तो ड्यूड है और इसके लिए मेरे भी क्या करना है, ड्यूड की तरह बिहेव करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट जो है वो आप उसके साथ आप भी बह जाते हो। बात समझ में आई? उसने अगर बोल दिया कि वो देख लड़की बैठी है साइड में ठीक है, कुछ 6-7 दिन से मेरे तरफ देख के स्माइल कर रही है बेटा, ये भी दोस्त देखेगा, ये बोलेगा ये तो मेरे से आगे निकल गया, ये भी देखेगा उसके तरफ और ये बोलेगा हाँ उसकी दोस्त जो दिख रही है वो भी मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। देखेंगे नहीं देखेंगे, स्माइल करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन डूडनेस तो दिखाना उसको। तो बेटा जब ऐसा करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बोलो, आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जब जाओगे तो सारा का सारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पार्टनर इन द सेंस, वो पार्टनर नहीं लाइफ पार्टनर वाला, आप जो पार्टनर यहां पे जिसके साथ बैठे हो, ट्राई करिए कि आपका ओरा उसके ऊपर हावी हो, आपकी अच्छाई उसके साथ चले, ना कि उसकी बुराई की चीजें आपके ऊपर हावी हो। अगर वो बात कर रहा है ऐसा, अगर वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, और आपको अगर वो गलत लग रहा है तो उसको टोकिए, उसका आपको काम है कि उसको समझाइए, उसको सही ट्रैक पे लेके आइए। यदि सुन लो, क्योंकि 2 साल का सवाल है बेटा, और 2 साल का सवाल मतलब आने वाले 50-60 साल की लाइफ, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो नहीं संभलता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा 10वीं तक आपके अलग फ्रेंड्स थे, अब कुछ अलग बने हैं, डिग्री में जाओगे अलग होगा, डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के समय अलग होगा, और सब कुछ होने के बाद जब आप किधर जाओगे, काम करने जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, तो आपके कलीग्स कुछ अलग होंगे, और कलीग्स मिलने के बाद फाइनल में जाके जो आपका फैमिली बनेगा वो कुछ अलग होगी। इसलिए हर स्टेज पे लोग इसलिए यस तो रियलिटी में जिए बेटा, हर स्टेज में आपके लोग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हर स्टेज पे क्या हो रहा है बोलो, लोग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको जो है संभल के रहिए। उसके बाद आता है बेटा फैमिली एंड आइसोलेशन। क्या आता है? फैमिली एंड आइसोलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। किसी किसी के घर में बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई के लिए, जो सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी चीज है बेटा,
ठीक है। कुछ कुछ के घर में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको हमेशा टोकेंगे, अरे आप बहुत वाह बहुत, जब से पढ़ाई कर रहा इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, कितने दिन करता है मैं भी देख लूंगा, अभी तक तो कभी किया नहीं, अब आया बड़े करने वाला वगैरह वगैरह, इस तरह के आपको क्या है झटके मिलने वाले, तो आपको डिमोरलाइज करने वाले फैमिली मेंबर्स भी मिलेंगे। ठीक, तो बेटा संभल लेना है, आपको करना क्या है, खुद को आइसोलेट होके चलना है। आइसोलेशन का मतलब सारे चीजों को सारे लोगों को नजरअंदाज करके खुद को अलग लेके आना है और आइसोलेट कर लेना है। अगर नहीं जमता है घर में पढ़ाई तो कहा क्या कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में आके पढ़ाई कर लो, कोई आपको बोलेगा नहीं। तो ये आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर मुझे वो रूम नहीं है पढ़ाई करने की वगैरह वगैरह, मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सोचो थोड़े देर के लिए कि अगर कि आपकी कंडीशन यही रही तो 15-20 साल के बाद जब आपके बच्चे आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा उनको भी अगर यही कंडीशन आपको क्या करने उनको फेस करनी पड़ी, इसके लिए कारणीभूत कौन है, आप जिम्मेदार हो। तो यही आपकी डिफिशियंसी आपकी क्या बननी चाहिए, इफिशियंसी बननी चाहिए। बात समझ में आई? तो आपको अगर मोटिवेट होना है तो पहले फैमिली को देखो। आप कुछ सोने के या पर BMW लेके आप नहीं आ रहे हो कहां पे क्लास में, सोने की साइकिल लेके नहीं आ रहे हो क्लास में, चांदी का जो सीट है आपके गाड़ी पे नहीं चढ़ा है बेटा, क्लियर है? बड़ी कोई मजली नहीं आपके, बड़ी बिल्डिंग नहीं है बुर्ज खलीफा की तरह, बहुत जबरदस्त फ्लैट नहीं आपका, लग्जरी फ्लैट जिसमें आप रह रहे हो। तो बेटा जितनी डिफिशियंसी है यही आपकी क्या बननी चाहिए, इफिशियंसी बननी चाहिए, इसके ऊपर काम करना है, यही आपको मोटिवेट करेगा पूरे लाइफ में, पूरे 2 साल में। ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग टेक्निकली चीजों पे फोकस करेंगे, अब आते हैं हम लोग नोट्स पे काम करेंगे। अब देखो पूरे 2 साल में अपन जितना पढ़ने वाले इसमें ये नोट्स जो चीज है ये बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें 2 तरह की चीजें होंगी बेटा, एक होगा डिटेल नोट्स और एक होंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक, देखो डिटेल नोट्स क्या है, जो आपके टीचर आपको क्या कर रहे बोलो, पूरा का पूरा जो पढ़ा रहे हैं, ठीक, उसको आप क्या कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। ठीक, नोट डाउन के साथ साथ आपको टीचर्स क्या दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, उसको अगर आप फेयर करते हो तो उसमें सारी चीजें आ गई बेटा। कौन सी? जैसे कि पूरा का पूरा क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक, पूरे के पूरे क्या आ गए, डेरिवेशंस आ गए, साथों साथ क्या आ गए बोलो, डायग्राम भी आ गए, साथों साथ क्या आ गए, फॉर्मुलेशन। मतलब ये चीज कि जैसे कि एक पूरा का पूरा बुक होता है उसको आपने सही ढंग से लिखा, आप अपने हिसाब से लिखते हो। इसका फायदा होता है बेटा कहां पे, पहले फायदा होता है सबसे इंपॉर्टेंट कहां पे, बोर्ड में, जब आप बोर्ड के एग्जाम लिखते हो, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, बराबर है, डिटेल्स आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। साथों साथ जब आप लिखते हो तो लिखते लिखते आपका एक हल्का सा रिवीजन भी हो जाता है। तो ये डिटेल नोट्स आपको बाद में नहीं लेकिन उस इंस्टेंट पे काम में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। अब साथों साथ क्या करते हो, यहां से छाप के लिख लेते हो, यही आपका क्या है, डिटेल नोट्स है। ठीक, अगर आप यहां से बोर्ड में जब सर ने लिख के दिया तो वहां पे सारी चीजें नहीं होती है, डिस्क्रिप्टिव चीजें। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब आप फेयर करते हो तो सारी चीजें क्या करनी है, जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे या फिर आपको PDF फॉर्म के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, ये सारे नोट्स उसको में क्या करना है, दोनों को मर्ज करके सही ढंग से लिखना है। ये आपके क्या होंगे बोलो, बोर्ड के लिए काम में आएंगे। अब आती है बात शॉर्ट नोट्स की। अब शॉर्ट नोट्स क्या चीज है बेटा, पूरा का पूरा एक चैप्टर, जैसे मान के चलो हम लोगों ने आगे जाके अल्टरनेटिंग AC सर्किट्स पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट वाला, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा, या फिर अभी अपन क्या पढ़ रहे बोलो, स्केलर्स वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज पे आ जाए, सिंगल पेज पे, तो सिंगल पेज पे जब आएगा तो इसमें डायग्राम होगा क्या? नहीं होगा बेटा। इसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ओनली एंड ओनली जैसे कि डेरिवेशन होगा जो हल्का सा काम में आएगा आपके बोर्ड के लिए ओनली, और आएगा क्या बोलो, फॉर्मुलेशन, और मेन पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। और ये एक पेज पे, मतलब आपका डबल पेज होता है ना, ये डबल पेज पे आगे और पीछे के पूरे पार्ट में ये होना चाहिए। ये कब बना लेना है, जैसे ही चैप्टर का एंड हो गया आपसे खुद से बना लेना है। कोई टीचर आपको बोलेगा कि बेटा आपने नोट्स बनाए क्या, शॉर्ट नोट्स, और कोई टीचर हो सकता ना पूछे, जैसे मैं हर बार आपको पूछूंगा शॉर्ट नोट्स बना के मुझे शो करो, और मैं हर किसी बच्चे का चेक करके लेता हूं। ठीक, आपके जो साइड में बैठे सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना कि दिखाओ कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, तो आपको दिखाएंगे शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स आपने को आपको क्या करना है, डिजाइन कर लेना, जिससे क्या होगा बेटा बोलो, जैसे आपकी टेस्ट होंगी, कौन सी टेस्ट बोलो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगी बोर्ड के लिए, उसके बाद कौन सी होगी बोलो, आपकी MCQ वाली टेस्ट होंगी, जिसमें अपन क्या करेंगे Level 1, Level 2 और एक मेगा टेस्ट होंगी बेटा इस तरह से। तो चारों भी टेस्ट में इसका काम आएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इतना सारा थोड़ी पढ़ोगे आप। रिवीजन उसको बोला जाता है कि एक चैप्टर आपका कुछ 4 या 5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, सारा जो चीज ने आपने पढ़ा 15-20 घंटे का लेक्चर, एक चैप्टर के लिए कितने लेक्चर्स लगे, एक एक घंटे के देखे तो आप 10 या 12 लेक्चर्स हम लोग लेंगे,
दस या बारह लेक्चर, मतलब 15-20 घंटे का लेक्चर आप पूरा लिख लिए और उसको कॉम्प्रेस किए कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कॉम्प्रेस करना मतलब क्या, शॉर्ट नोट्स बनाना, जो आपको क्या होगा 10 मिनट में रिवाइज करके आप फटाक से आ जाओगे पेपर के लिए। तो इसमें क्या हो गया, आपके सारे फॉर्मूले जो है क्या कर लिया आपने लर्न के लिए फटाफट, सारे नोट जो है जैसे बायोलॉजी का होगा मेन मेन पॉइंट्स आपने लिख देख लिया फटाफट हो गया, बराबर है। केमिस्ट्री का होगा सारे रिएक्शंस देख लिए फटाक से, फिजिक्स का होगा फॉर्मूले देख लिए, बराबर, मेन मेन पॉइंट्स कहाँ पे क्या अप्लाई करना आपको पता हो गया। तो एक पेज पे क्या होगा, सारी चीजें आपने कर लेनी है। और ये कब करना है बोलो, जैसे ही चैप्टर का क्या हुआ, एंड हुआ, आई बात समझ में। तो क्या करोगे बोलो, दो चीजें करोगे, पहली चीज डिटेल नोट्स, सेकेंड चीज बोलो शॉर्ट नोट्स, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आता है सर, ये तो हमने जान लिया, अब आता है सर हम लोग पूरे ईयर का प्लान कैसे बनाएं। देखो इसमें क्या चीजें हैं, मैं यहां पे तीन पार्ट बना, देखो फुल ईयर प्लान, एक कौन सा लिखा है बोलो, वीकली प्लान, बराबर, एक वीक का पूरा प्लान बनना चाहिए। और यहां पे नीचे लिखा है कौन सा, 24 आवर का प्लान, पूरे साल में क्या करोगे, पूरे हफ्ते में क्या करोगे, एक दिन में क्या करोगे, ऐसे तीन प्लान होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ही होने चाहिए। इसके अलावा आप कितने बजे उठोगे, कितने बजे सोओगे, उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो कितनी चीजें हुई आपके पास, चार चीजें, साल भर का प्लान लिखा होना चाहिए, वीकली प्लान आपने संडे को रेडी करना है अगले वीक के लिए, और एक घंटे का 24 घंटे का प्लान आपने रेडी करना है सुबह या एक दिन पहले, ठीक है। अब देखो एक एक अपन समझेंगे। अभी अपना महीना चालू बेटा, कौन सा मंथ चालू है, जुलाई मंथ, जुलाई से लेकर अगस्त तक आपके कितने महीने मिलते हैं आपको, 14। तो 14 महीने में आपके आसपास 6 महीने में चलेंगे बेटा कौन से, 11th की बैच, जिसमें पूरा कवर होगा 11th का सिलेबस, उसके साथ फिर होता है कौन सा बोलो, प्लस 8 किसका, 12th का सिलेबस, क्लियर हो गया। तो आप जुलाई से लेके अगस्त तक आपके दोनों भी सिलेबस चलेंगे, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसके साथ आपके दोनों भी बैच पैरेलली हो गए, कौन से एक बोलो, बोर्ड की बैच, बोर्ड का कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ कौन मिलेगा, नीट और JEE, हो गया। तो इसका मतलब सर पूरा सिलेबस कहां तक खत्म हो रहा है अपना, अगले साल के 2000 बोलो कौन सा, 2000 कौन सा चालू है, 23, अभी कौन सा रहेगा, आगे कौन सा रहेगा, 24, 2024 तक आपका पूरा सिलेबस होगा बेटा कवर, ठीक। उसके बाद सितंबर से लेके दिसंबर मंथ तक, मतलब कितने महीने मिले, 4 महीने, इस 4 महीने में अपने चलेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। सर मॉक टेस्ट कितने तरह के हो गए बेटा, ये हो गए 2 तरह के, पहला होगा कौन सा बोलो, डिस्क्रिप्टिव, और साथ में चलेंगे कौन सा बोलो, MCQ वाला, मतलब कौन सा, एंट्रेंस का। सर साथ साथ और एक चीज चलेंगी जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, दैट इज रिवीजन, क्या चलेगा। तो मतलब ये सर कि अगस्त के बाद सितंबर से अपन रिवीजन शिशु सेशन चालू करेंगे जो दिसंबर तक चलेगा। इसका मतलब जैसे एग्जाम हुआ, जैसे रिवीजन हुआ, क्या चलेगा, डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम, जैसे डिस्क्रिप्टिव दिए उसी टॉपिक पे क्या होगा, MCQ के एग्जाम। इस तरह से पूरा रोटेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और मंथ कौन सा आएगा, दिसंबर। तो 4 महीने तक आपने क्या कर लिया, कस के वो सारे प्रैक्टिस कर लिए, ठीक। तो आपने रेडी, आप रेडी हो गए। फिर आता है बेटा मंथ कौन सा, और ये मंथ होता है बेटा जनवरी का, कौन सा ईयर रहेगा, 2025। अब आपके पास बचे बेटा कौन से, एक जनवरी और एक है फरवरी। आपने सर क्या किया, अगस्त तक सारा सिलेबस खत्म कर लिया। सर उसके बाद हमने क्या किया बेटा बोलो, 4 महीने तक आपने क्या किया, मॉक टेस्ट दिए, इसका मतलब पूरी बोर्ड की तैयारी शुरू है और हमारी एंट्रेंस की भी। और ये फिर 2 महीने में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, हल्का सा फिनिशिंग देंगे, किसके लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए ओनली, ठीक। तो 2 या 1.5 महीने की गैप आएंगी, किसके लिए, एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए। और उसके बाद फेब के बाद हम लोग मिलेंगे फिर कब, तो ये 2 महीने के लिए आपको क्या मिलेगा, 1.5 या 2 महीने के लिए क्या मिलेंगे, लीव मिलेगी, ठीक है। और फेब के एंड के बाद या फिर मार्च में हम लोग फिर मिलेंगे, और यहां पे फाइनल एक टेस्ट सीरीज चलेंगी बेटा। और ये फाइनल टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ये किसके लिए, आपके नीट एज वेल एज JEE के लिए, ठीक। और इस JEE में आपके वो भी पेपर्स होंगे जो JEE एडवांस लेवल के होंगे, मतलब आपके 2 पेपर चलेंगे कौन से, मेंस के, तो एक चलेगा कौन सा, एडवांस का। इस तरह से अल्टरनेट डेज में आपके चलते रहेंगे पेपर एनालिसिस, इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। अब सुन लो, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, PYQ भी सॉल्व करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सोच लो कि आपने पूरे 18 महीने की तैयारी की बेटा, ये 14 महीने और 4 महीने कितने हुए, 18 महीने, 1.5 साल तक पूरी प्रिपरेशन की, किसकी, एंट्रेंस की, और फिर 1-1.5 महीने में आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइनल फिनिशिंग की। तो मुझे बताइए उस रिपीट वाले 1 साल से बेहतर ये 18 महीने है या नहीं है, आ रही बात समझ में। तो दिमाग से पहले तो ये निकाल दीजिए कि मुझे रिपीट करना है,
आगे जाके क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़ेंगे। सर अभी वीकली प्लान कैसा होना चाहिए, सुन लो बेटा। अब ये क्या हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीन तरह के एग्जाम्स लेंगे, टेस्ट कैसे पूरे से डेढ़ साल में अपना क्या चलेगा प्रोग्राम। एक होगा बेटा L1, एक होगा L2, एक होगा M, और इसके पहले एक होगा कौन सा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर आपका टीचर कंप्लीट करेंगे वो उसके पहले उसके ऊपर कौन सी टेस्ट लेंगे बेटा, डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट, जो किसके लिए काम आएगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन करना है, बोर्ड के लिए काम आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे हा या ना, जोर से बोलिए, अरे हा या ना। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव के बाद L1 मतलब क्या है, Level 1 की टेस्ट होगी, जिसमें आपके मीडियम रेंज के और बहुत लो लेवल के फंडामेंटल्स के ऊपर क्या होंगी, टेस्ट होगी। और एक होगी बेटा Level 2, मतलब उसके अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। बात समझ में आई? इन दोनों के ऊपर होगा क्या, एनालिसिस। क्या होगा? एनालिसिस। और एक होगा बेटा मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट में आपका होगा PCB या फिर PCM, इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। तो कंबाइंड टेस्ट होगी एक। तो आपका एक चैप्टर आप कितने बार सॉल्व कर रहे हो, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। आई बात समझ में? अब सुन लो, आपने क्या कर लेना है, मंडे से लेके संडे तक, संडे का दिन आपका टेस्ट का दिन है बेटा, आपने क्या किया, पूरा प्लान किया, कौन सा, 24 घंटे का। जिस दिन आपने पूरा का पूरा किया, तो यहां पे परसेंटेज मतलब क्या है, जो प्लान आपने परफॉर्म किया है, प्लान आपने बनाया कितने घंटे का, 24 घंटे का, जो आगे वाला है, उस 24 घंटे के प्लान में आपने कितने घंटे को देना है, 8 घंटे की स्टडी अपन आवर रखा था, 8 घंटे का, 8 घंटे अगर आप प्लान करते हो तो यहां पे अपन टिक कर लेना है। यदि आप टिक नहीं करते हो तो 8 में से कितने घंटे आपने परफॉर्म किया स्टडी के लिए, कितना घंटा आपने दिया, 6 घंटे, 2 घंटे नहीं दे पाए, आप लिखा आपने कितना, सर 80% में आज दे पाया। ठीक है, कितने परसेंट, 80%। अगर यदि उसमें अगर किसी टीचर ने टेस्ट ली थी तो उसमें कितने मार्क्स आए, मार्क्स यहां पे आप लिख सकते हो। यदि आपकी उस टेस्ट में 100 में से अगर आपको कुछ 35-40 अगर मार्क्स इनिशियल लेवल पे आते हैं, तो आप यहां पे नोट करके रखना है कि आपको इतने मार्क्स आए थे और क्यों कम आए, ये सारी चीजें आपके पास नोट डाउन चाहिए। क्लियर हो गया? तो पहली चीज तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटे, बोलो, मार्क्स लिख के चलेंगे। क्या लिख के चलेंगे? मार्क्स। ठीक है, चलो, तो समझ में आई चीज है, कितने परसेंट आप अपना 100% में से कितना परसेंट दे पाए उस दिन के लिए। ठीक, और उसके बाद आता है बेटा कौन सा दिन, संडे का दिन। इस संडे के दिन आप क्या करोगे, बोलो, पूरा का पूरा चलेगा ये रिविजन का काम चलेगा। क्लियर है? उस दिन होती है अपनी क्या, हॉलीडे, और आगे जाके इस दिन क्या होगा, टेस्ट होगी। तो ये टेस्ट प्लस रिवीजन, ये दोनों भी चीज आपको कर ली, तो टेस्ट के लिए क्या करके आओगे, रिवाइज करके आने वाले हो। आई बात समझ में? आगे फिर चलता है बेटा 24 घंटे का काम। ठीक, उसके बाद एक हर टीचर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला, अभी कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगा, उसको जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे में आपने कितने घंटे दिए थे, बोलो, स्टडी के लिए 8 घंटे। 8 घंटे में आपने दिया था, मान के चलो सर 2 घंटे मैंने दिया किसके लिए, फिजिक्स के लिए। 2 घंटे मैंने दिए किसके लिए, मान के चलो केमिस्ट्री के लिए। 2 घंटे आपने मान के चलो किसके लिए दिए, बायो के लिए या फिर मैथ्स के लिए। अगर दोनों भी होंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके चलना है। और 2 घंटे आप किसके लिए देंगे, बोलो, आपने कुछ नोट्स लिख लिया उसको फेयर करने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है? अब ये पूरा डिवीजन करके आप चलना है और इसका पूरा प्लान, जैसे बायो में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप उस दिन क्या परफॉर्म करने वाले। जैसे अभी मैंने सुबह हो गया, मैं सुबह से 6 बजे से लेकर पढ़ाई करने बैठा हूं। अब पढ़ाई करते समय फिजिक्स का मैंने चैप्टर पकड़ा, एक पकड़ के चलिए, कुछ जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी 2 तरह की पढ़ाई करनी है, एक कौन सा, बोलो, डिस्क्रिप्टिव, और एक कौन सी है, MCQ। दोनों भी आपको सॉल्व करना है। तो आपने क्या कर लिया, जैसे EMI ये चैप्टर मान के चलो अपना 10 या 12 दिन चलने वाला, बराबर है, तो उसमें आपको जो आपका चल रहा है, जो जो टॉपिक्स आपके सब टॉपिक्स कवर हो गए, इसको आपने क्या कर लेना है, 1/2 आवर उसको रिवाइज करके उसको लिख के देखना है, या फिर नोट जब बनाओगे उसमें क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। और बाद में बाकी उसी टॉपिक पे आप क्या करोगे, बोलो, MCQ की प्रैक्टिस चल शुरू करोगे। बात समझ में आइए? इस तरह से आपको हर दिन का प्लान बना के चलना है। और ये कहां पे भेजोगे आप, व्हाट्सएप पे भेजोगे, किसके, वो आपके मेंटर को, वो हर बार चेक करेगा और साथ साथ चलते जाएगा। आई बात समझ में? यहां पे मुझे लगता है कुछ बच्चे बैठे है क्या, आपके सीनियर्स बैठे, उनको पूछ के पूछना कि व्हाट्सएप का कौन सा ग्रुप है और वहां पे आप क्या क्या फीड करते हो, क्या क्या चीजें आप वहां पे डालते हो, तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलेगा बेटा प्लान। आगे बढ़ेंगे, अब चलेगा, हम चलेंगे कौन से, रिविजन की तरफ। देखिए, आपको आसपास किसी भी एक टॉपिक का या चैप्टर का 5 से लेके 6 बार आपका रिवीजन होना ही चाहिए, कम से कम, कितना, 5 से लेके 6 बार। अब इसमें जब ये रिवीजन का कार्यक्रम आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम रिवाइज कब करें सर, सारा टाइम तो कहां पे चला गया,
पढ़ाई में चला गया। बेटा पढ़ाई में सिर्फ पढ़ते थोड़ी हो आप, आपका जो संडे का दिन दिख रहा है, इस संडे के दिन आप क्या कर रहे हो? रिवाइज भी कर रहे हो। कौन से टॉपिक्स करोगे, कौन से सब्जेक्ट करोगे? सारे सब्जेक्ट्स करोगे। तीन सब्जेक्ट होंगे, पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी, चारों भी सब्जेक्ट आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे इस दिन। लेकिन आप जैसे दो घंटे दे रहे हो, हर दिन आपको 10 मिनट कम से कम उसके लिए निकालना है जिस टॉपिक को आपने कल इस आज के दिन जो टीचर ने पढ़ाया। जैसे आज पढ़ के जब जाओगे उस टॉपिक को रोज के रोज रिवाइज करना है। यदि आप मान के चलो रिवाइज नहीं करे तो आप वैसे भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? तो रिवीजन आपका चलना चाहिए। साथों साथ जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देते हो बेटा, तब आपका एक रिवीजन होता है, क्योंकि रिवाइज करके आना ही है। ठीक, उसके बाद आप लेवल वन की एग्जाम जब दोगे, टेस्ट दोगे, तब एक बार आपका क्या होता है? रिवाइज होता है। उसके बाद कौन सा लेवल टू की जब क्या करोगे? टेस्ट दोगे, एक बार रिवाइज होता है। फिर एक बार आपका रिवीजन चलता है कब? जब मेगा टेस्ट देने वाले, तब एक बार रिवाइज होता है। बात समझ में आई? और एक बार आप क्या कर रहे हो बोलो? खुद से आपको कम से कम एक या दो बार रिवाइज करके चलना। तो 1, 2, 3, 4 और 5 से 6, बात समझ में आई? तो 6, 5 से लेके 6 बार एक टॉपिक आपका, एक चैप्टर आपका रिवाइज होना ही चाहिए। इवन अगर आप आज क्लास में आ रहे हो और दो क्लास के बीच में 5 या 10 मिनट का गैप होता है, तो कल टीचर ने क्या सिखाया ये आज आपने एक बार रिवाइज करके चलना है थोड़ी देर के लिए। अगर आप रिवाइज ना करके यहां पे बैठो तो आपका माइंड वैसा भी क्या हो जाता है? ब्लैंक। और जो हम आज पढ़ा रहे उसका रेफरेंस कल वाले टॉपिक से जुड़ा होता है। बात समझ में आई? तो रोज यहां पे बैठे बैठे कल के पेजेस जो है वो क्या कर लेना? घुमा लेना है अपने आंखों के सामने से। अरे बात समझ में? ठीक, उसके बाद आता है सेल्फ एनालिसिस बुक। एक छोटी सी डायरी बना लेना है बेटा, जो किसी को दिखानी नहीं, जो अपने पास होनी चाहिए। क्लियर? इस सेल्फ एनालिसिस बुक में आप लेवल वन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लेवल टू और फाइनल टेस्ट, ये जो सारे टेस्ट ले रहे हो, मान के चलो ये मेरी फिजिक्स के लिए बनाई मैंने, ठीक, एक ही बुक में आप सारे सब्जेक्ट्स का बना सकते, जिसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर कितने मार्क्स लिए, मान के चलो 25 मार्क का टेस्ट हुआ है, 25 में से आपको 20 मिले हैं, ठीक, कौन से दिन आपकी एग्जाम हुई और आपके 5 मार्क्स किसमें कट हो गए, या फिर लेवल वन के मान के चलो 100 मार्क की टेस्ट हो रही है, आपको सिर्फ 70 मार्क्स आए, कौन से दिन आए और 30 मार्क्स आपको कम क्यों मिले, ये उसका नोट होना चाहिए, जो आपको एनालाइज करने के लिए, आपका ग्राफ उठाने के लिए काम आएगा। ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो मान के चलो, गारंटी के साथ कर रहा हूं मैं, 20% मार्क आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे एंट्रेंस में, गारंटी के साथ। अगर आपकी लेवल 600 मार्क की होगी नीट में, तो आप बढ़ के कम से कम 650 मार्क्स तक जाओगे, क्योंकि आपको रीजन पता है किसका, मार्क्स कम आने का। ये आपको नोट डाउन होना चाहिए हर बार, ये दिखाना नहीं है बेटा किसको, बस आपके पास रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 6, 7, 8 महीने पहले की बात करो, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आज आप 8 महीने के बाद रिवाइज कर रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर आपने नोट ही नहीं लिखा था, आपको याद भी नहीं कहां कहां पे आप गलतियां कर लिए। आई बात समझ में? साथ ही साथ एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, इसमें देखिए क्या करना है। जब आप कोई भी रेफरेंस बुक लो, जैसे आप एररलेस लेते हो, सिंगेज का बुक लिए, बीएम शर्मा लिए, डीसी पांडे लिए, एचसी वर्मा लिए, जो भी हो, आप जब बुक के ऊपर एमसीक्यू क्या करते हो बोलो, सॉल्व करते हो, तो करना क्या, बड़ी बढ़िया चीज में बता रहा हूं, सुन लो बेटा। आपका जो भी पेज होगा, इस पेज के ऊपर ऐसे 2 पेजेस होंगे, मान के चलो कि इन एवरेज हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, इधर 15 क्वेश्चन है और यहां पर कितने, 15 क्वेश्चन, ठीक। आपने क्या किया, 11 बजे आपने स्टार्ट किया, आपने दिया था बेटा 1 घंटे का समय किसके लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, 15 और 15 कितने हुए, 30 क्वेश्चन। आपने टाइम लिख लिया कि सर 11 बजे बेटा, कितने बजे, 11, मैं 11 बजे स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको चल के लेना है कि 15 और 15 30 क्वेश्चंस मुझे 11 बजे से लेके 12 बजे तक कितने क्वेश्चंस हुए, 30 में से मैं मान के चलो मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो क्या होता है, जब आप घर में सॉल्व करते हो तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने का, बराबर है। लेकिन आपने क्या करा, टाइम का प्रेशर लगाया और सॉल्व करते समय 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के क्वेश्चंस लिए। आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, फटाक से आ गया, थर्ड क्वेश्चन के समय आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो करना कुछ नहीं है, इसको स्किप कर लेना है, एक डॉट करके रख देना है। फोर्थ क्वेश्चन होगा, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आप लटक गए बेटा, और अटकने के बाद आप क्या करोगे, फिर से डॉट करके स्किप करोगे, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे स्किप करने की क्या आएंगी टेक्निक, धीरे धीरे बनते चली जाएगी। बात समझ में आई? तो इससे क्या होगा, आपने 30 में से कम 21 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट किए जो आप फटाक से सॉल्व कर पाए। तो एक तरह से ऐसा हो कि हर दिन आप क्या कर रहे हो, हर दिन आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो।
तो यही आदत आपका रिप्लीकेट होंगी कहां पे, टेस्ट में, और पेज पे लिख लेना है। और जिस क्वेश्चन आप, जो उस क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाए, फिर आप क्या करते हो फाइनल में उसका जाके सॉल्यूशन देखते हो, तो उस समय आप उसका देखना कि ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्यूशन देखने के बाद कहां कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, इस क्वेश्चन के साइड में पेंसिल से लिख के रखना, जब आप रिवाइज करोगे फाइनल में जाके ये सारी चीजें आपको याद आएंगी। ये टेक्निक लेके चलना है। आप अगर बैठ के मस्त पैकी आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर पकड़ के पीछे लोड लगा लिए बैठे हो बढ़िया एसी के अंदर और धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, किसी भी तरह का लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, दो घंटे के बाद आप देखते हो सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए। उस 20 में से आप 10 क्वेश्चन वैसे भी कौन से सॉल्व किए थे, जो आपको स्किप करना था। बेटा याद रखना है, नीट या जेडब्ल्यू ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको बहुत सारे बुक्स में से यह समझना चाहिए कि कौन सा बुक प्रीफर करे। उसके बाद आपको यह समझना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको फायदा होगा। इसको ऐसा नहीं देखना, क्या करना है, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, इट नॉट इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, बात समझ में आई, कितने क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो यह समझना चाहिए। तो जिसको ये अगर टेक्निक आ गई कि 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होने वाले जो आपको लटका के रखेंगे, बेटा मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है क्या जो बहुत हार्ड है और आपको 10 मार्क देके जाएगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क का है, अरे हर क्वेश्चन कितने मार्क का है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है। और एक क्वेश्चन को आप मान के चलो 20 मिनट दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये 20 मिनट वाला क्वेश्चन जो है आपको क्या करना था, लीव करना था, स्किप करना था, बराबर है। तो आपने ये जब प्रैक्टिस करनी है इस तरह से टाइम लेके चलना है, और हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व हुआ उसको टिक करके बाद में फाइनल में नोट करके रखना है कि मैं कहां पे गलती मैंने की थी। तो आपका जो फाइनल में जब ये बुक देखेंगे हम लोग, एक डेढ़ महीने में आपके हर में रेफरेंस बुक देखता हूं कि आपने क्या क्या किया, तो सारा भरा हुआ दिखना चाहिए, ना कि बिल्कुल जैसे कि वैसा कोरा, बात समझ में आई। अब आते ही बेटा फाइनल डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज आते बेटा सोशल मीडिया, ठीक है। आज हर एक बच्चा, सबका अपना अपना क्या है बोलो, इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर किसी का फेसबुक अकाउंट है, नहीं होगा तो व्हाट्सएप अकाउंट है, सबको पता है व्हाट्सएप तो होना चाहिए क्योंकि उस पर अपना डेटा आता है, कोई दिक्कत नहीं। स्नैपचैट तो है ही बहुत लोगों का, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, फिजिक्स में सबका पहला नियम हम लोगों ने सीखा लेंस वाला, उनको पता होगा, आप सबको पता होगा कि जब लेंस के ऊपर लाइट आती है किसकी, सन की, और कागज अगर आप नीचे रखते हो तो कागज जलता नहीं है, तब तक नहीं जलेगा जब पूरे का पूरा लेंस का एनर्जी एक पॉइंट के ऊपर फोकस ना हो। बेटा नीट या जेडब्ल्यू या फिर बोर्ड की एग्जाम भी आप फोकस करके चल रहे हो तो पूरी की पूरी आपकी इंटरनल एनर्जी एक ही चीज के ऊपर फोकस होनी चाहिए। आपने क्या कर लिया, उस 100% एनर्जी को डाइवर्ट कर लिया 20% दोस्त में, 20-30% किसमें, सोशल मीडिया में। आपने स्टोरी डाल के अगर रख देते हो, ऐसा कोई बंदा देखा है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कोई बैठा होगा कि किसी ने स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे और बैठ गया। बेटा आप हर बार उसको चेक करते हो, उस स्टोरी को कितने लोगों ने देखा, फिर देखने के बाद कितने लोगों ने उसको लाइक किया, इसने हर बार लाइक करने वाले बंदे ने इस बार क्यों नहीं किया, ये भी चेक करते हो ना, माइंड में चलते रहता है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिसके वजह से आपकी सारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई और बची हुई 20-30% एनर्जी लेके आप क्या कर रहे हो, नीट और जेडब्ल्यू कर रहे हो, जिस वजह से आप इस बंदों में चले जाते हो, यहां से सॉरी ये वाले बंदे में चले जाते हो। क्या बोला मैंने, EQ इज व्हाट, इमोशनल क्वेश्चन। बेटा ये वीक होने के पीछे का रीजन दो है, एक आपका कौन सा अच्छा ना खाना और दूसरा कौन सा सोशल मीडिया। मतलब आप पूरी की पूरी पढ़ाई कर लिए, सिलेबस पूरा छाप लिया, दिमाग में बैठा है, पेपर के समय गए और घबरा गए, और बाद में हम लोग वही रीजन देते हैं हमेशा, कौन सा वाला, कि सब सर मेरी पढ़ाई हुई थी लेकिन एंड टाइम पेपर पे मेरा गड़बड़ हो गया, जिस रीजन को कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सिंपति देने के लिए नहीं आएगा, एक दिन बोलेगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगले टाइम कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने कितना साल अपना लगा दिया था, 2 साल, आई बात समझ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके बाद आता है टीचर्स ही किसका कारण है बोलो, ठीक है। ये टीचर जो है आपको दुख के आंसू रुलाएंगे, यही टीचर आपके खुशी के आंसू रुलाएंगे। ये 2 साल आपको ऐसा होगा ही नहीं कि आपको मैं बहुत ज्यादा खुशी प्रोवाइड करूंगा, याद रखना टीचर वही अच्छा होगा जो टीचर आपको 2 साल तक रुलाएगा बेटा, बहुत जबरदस्त, इतना तकलीफ देगा कि आप मन में आप क्या करो उसको गाली दोगे। याद रखना है 2 साल के बाद जब रिजल्ट लगेगा आप आके पैर पड़ोगे उसी टीचर्स के, जो आप दो टीचर आपको क्या किया था 2 साल तक
रुलाया था। जो आपके सीनियर जो अभी इस साल में जो लीजेंड्स बच्चे निकले पास होके, आपको पता है सबके नाम बताना नहीं चाहता, ये सारे बच्चों ने मुझे ऐसे ब्लेम किया था, ऐसे सूली पे चढ़ा दिया था कि मैं पूरा का पूरा क्या हूं, उनका दोषी हूं, उनके उनको मतलब उनको जितना मैंने तकलीफ दिया, ठीक है। लेकिन आज वही बच्चे जो है हमेशा क्या करते हैं, नाम लेते नहीं, इन टीचर्स की वजह से हुआ है, आके पैर पड़ते हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें होती है, ठीक है। तो टीचर जो है पहले आपको रुलाएंगे, बाद में भी रुलाएंगे, और बाद का जो रोना होता है वो कौन सा रोना होता है, खुशी का। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। और अब किसी टीचर ने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोशल मीडिया में बहुत सारे टीचर्स आ गए, ठीक है, हम भी सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप अगर मान के चलो इस टीचर को भी देख रहे हो ऑफलाइन में ऑनलाइन में, उस टीचर को देख रहे हो, बाद में वो टीचर को इस वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, होगा क्या पता है, आपका जो लिंक है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। कोई टीचर बोलेगा इस बार नेट नहीं हुआ, अगली बार कर लेना है बच्चों, ठीक है, अगली बार नहीं हुआ बेटा, अगली बार कर लेना है, ठीक है, रास्ता बदलो मंजिले नहीं। अरे बेटा वो चार साल से नीट कर रहा है, उसको बताओ तुम कि तुम अपने अपने सेक के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आप बच्चे को चार चार साल तक मोटिवेट कर रहे हो कि तुम करो तुम करो तुम हो जाएगा। बेटा उसको बताओ कि तुम्हारा नीट जो है तुम्हारे, इट्स नॉट ए कप ऑफ योर टी, आपके कप की टी नहीं है, या फिर आपका क्या बोलते उसको, हाँ हाँ बस वही कि आपकी बस की बात नहीं, उसको छोड़ दो, आप कहां पे चले जाओ, जम कर लो कहां पे, नहीं जमता है दूसरी एंट्रेंस दे लो, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर लो, उसको बोलो। तो यहां पे सोशल मीडिया पे जो बंदे बैठे हैं खुद नहीं पढ़ा रहे लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का जो पूरा का पूरा तुम्हारे जनरेशन के सारे बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं, नहीं बहुत जबरदस्त टीचर है, वाओ सर वाओ सर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, किसी को अपना रोल मॉडल मत बनाना, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके पीछे लग जाती है। बात समझ में आई, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपका सीनियर रोल मॉडल होगा, लेटेस्ट वाला, उसने क्या किया था ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी का इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीक अगर सुन लिए, नहीं मैं इसका फैन बन गया, चले सोशल मीडिया पे कमेंट करने, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, जो टीचर्स है आपके, एक ऐसा गुरु ढूंढ लेना, एक ऐसा टीचर मान लेना कि बस वो जो बोल रहा है उसको सुनो, उसी हिसाब से चलो। आप एक सब्जेक्ट के लिए 10 टीचर लेके चल रहे हो बेटा, आप जिंदगी भर 10 या 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई में चले गए, आपके सिर्फ सुनने में चले गए, लेक्चर अटेंड करने में चले गए, पढ़ाई कब करोगे, एमसीक्यू कब सॉल्व करोगे, एनालिसिस कब करोगे पेपर्स का, इतना सारा काम पेंडिंग है, हम लोग कहां पे चल रहे हैं, टीचर्सों के पीछे, ये टीचर अच्छा है वो टीचर बुरा है, सोशल मीडिया पे चल रही है जंग, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के बीच में, अभी अभी लेटेस्ट में चल रहा था ना, एक बड़े प्लेटफॉर्म से दूसरा प्लेटफॉर्म निकला, कुछ बच्चे उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे, कुछ बच्चे इसको, वहां पे चल रही है जंग, कहां पे, कमेंट बॉक्स में। अरे बेटा तुमको बेवकूफ बना रहे वो अपने किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। बात समझ में आ रही है, 1-to-1 इंटरेक्शन अब हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप मुझे फिजिकली मिल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, सारी चीजें लेके चल रहे हो। याद रखना आपके सक्सेस के पीछे सिर्फ 20% उसका हाथ होता है, किसका, टीचर का, 80% काम तो आपको खुद से करना है। आपने सीख लिया किसी टीचर से, सुन लो बेटा, और पढ़ाई नहीं की ना तो टीचर भी कुछ काम का नहीं और आप भी कुछ काम के नहीं रहोगे। आई बात समझ में, तो ये चीजें जो है वो रेडी होनी चाहिए, और आई होप आपको ये सारी चीजें प्लान आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये सारे प्लान आपको रेडी करके चलना है और आगे इसी का काम आने वाला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।